कैसे आप लोग? यार मैं अभी काम ख़त्म करके आया था। एक्चुअली मुझे वीडियो आज दोपहर में बनानी थी। एक बहुत खुशखबरी है, आज मुझे पता लगा यार, यूट्यूब चैनल बनाने का जो सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, इससे अच्छा कनेक्टिविटी का प्लेटफॉर्म पूरी दुनिया में नहीं हो सकता है। और आज मैं ऐसी खुशखबरी, मेरे थंबनेल से आपको पता ही लगा होगा कि यार आज 27 अक्टूबर है, और आज दोपहर के, मेरे हिसाब से दोपहर को सिंगापुर के टाइम के हिसाब से 3:30 या 4 बजे के आसपास एक मैसेज आया था, सर आई एम रीचिंग ऑलरेडी इन सिंगापुर एट एयरपोर्ट, और वो सक्सेसफुली इमिग्रेशन क्लियर कर लिया है, नाउ ही इज़ इन क्वारंटीन फॉर सिंगापुर 10 डेज। उसका नाम है भाई, वो मेरा बंदा सब्सक्राइबर है यार, मेरी फैमिली है, मैं तो उसको भाई मानता हूँ यार। जो भी मेरे यूट्यूब फैमिली में, वो सब मेरे भाई बहन और मेरे दोस्त, इसी तरह से मैं सबको ट्रीट करता हूँ। तो सबसे पहले तो यार ऐसे लोगों को थैंक्स देना चाहता हूँ जो मेरे यूट्यूब चैनल की इन्फॉर्मेशन से अपनी लाइफ को सक्सेस कर रहे हैं। तो और यार मेरा जो बनाने का यूट्यूब का जो मकसद है, वो ऑलमोस्ट लोगों को काफ़ी फ़ायदेमंद हो रहा है। इसी वजह से मुझे बहुत ही खुशी, जुलाई में 3 सब्सक्राइबर ऑलरेडी जो लॉकडाउन के द्वारा पायलट प्रोग्राम के थ्रू आए थे, उसकी मैंने वीडियो बनाई थी, और आज जैसे मैसेज मिला है, मैंने उस बंदे को नहीं देखा है, लेकिन वो बंदे को 8 महीने से मेरे को फॉलो कर रहा है, हमेशा पूछता है वैक्सीन कौन सी अप्रूवल है सर, क्या है। यम कोटवाल नाम है, शायद गढ़वाल या उत्तरांचल। से होगा नाम से पता लग रहा है, लेकिन मैंने कभी उससे ऑनलाइन बात, इंस्टाग्राम पे मैसेज नहीं करा। मैं अभी स्क्रीनशॉट दे दूंगा, जो भी यूट्यूब से कनेक्ट करता है वो आप पता लग जाए कितने महीनों से फॉलो कर रहा है, और आज ऑलरेडी उसका ड्रीम जो है सक्सेस हो चुका है। अब बता देता हूँ शॉर्टकट के तौर पे, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, और हाँ, सिंगापुर से रिलेटेड इस चैनल पर आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। और हाँ, इस तरह के जो लोग हैं जो ऑलरेडी सिंगापुर में, नए नए सिंगापुर में आ रहे हैं, आप उनसे कमेंट्स करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उनसे ही, तो आपका काम जो है काफ़ी आसानी से हो सकता है। कहने का मतलब, आप कुछ इन्फॉर्मेशन मुझसे लेते हो, लेकिन जो बंदा अभी आया है 2021 में 27 अक्टूबर, अगर आप उससे कनेक्ट होते हो और वो आपको कुछ गाइड करता है, हो सकता है आपका भी काम बन जाए। तो कहने का मतलब है, आप यम कोटवाल से को ऐसा नहीं कि डिस्टर्ब करना, लेकिन आप मेरे चैनल के थ्रू उससे पूछ सकते हैं कि भाई कैसे कांटेक्ट होगा, क्या प्रोसेस है। तो यम कोटवाल, आप मेरे चैनल को जाके स्क्रॉल करके देखना भाई, वो कितने साल महीनों से मेरे को फॉलो कर रहा है, और आज ऑलरेडी सक्सेसफुली मैसेज आया, उसका भी मैंने स्क्रीनशॉट दे दिया है, और वो ऑलरेडी सिंगापुर में आज आ चुका है। उसका थोड़ा प्रोफाइल का मकसद ऐसा था कि वो कैसा है सुनो स्ट्रीम, ये वीडियो यार काफ़ी ज़्यादा लोगों में फैला दो, ताकि यार सभी को पता लगे यार कि बंदे आ रहे हैं यार सिंगापुर में। उस बंदे में बहुत जज्बा यार, वो 2 अक्टूबर को हमेशा मैसेज पूछता था, सर कब खुलेगा कब खुलेगा। मैं हमेशा ही उसको बोलता था कि भाई डोंट वरी, जैसे ही वो इंडोनेशिया ट्रांजिट वीज़ा वाला, आपको न्यूज़ पता होगी, उस वजह से वो ओमान चला गया मस्कट। मैंने उससे बोला डोंट डू रश, लेटर इंडिया विल बी ओपन, बट वो चला गया। तो वहाँ से होने के बाद शायद 14 दिन की क्वारंटीन के बाद आज है भाई 27 अक्टूबर, तो आप हिसाब लगा लो, उसने मेरे को 2 अक्टूबर को मैसेज करा था कि सर आई एम इन मस्कट, 4 दिन पहले उसने मैसेज करा था। आप, मैं सारे स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, आप पढ़ लेना अच्छे से। वो बंदा
जैसे इंडोनेशिया ट्रांजिट वीज़ा खुला था जब, तो वो और भी कंट्री के लिए खुला था लाइक मस्कट, ओमान वगैरह के लिए। तो वो बंदा वहाँ मस्कट गया क्वारंटीन फिनिश करिए, 4 दिन पहले कहा था कि सर जब न्यूज़ आई थी कि सिंगापुर इंडिया वालों के लिए खुल गया, तो कह रहा सर आई एम इन क्वारंटीन इन मस्कट। और आज कल परसों शाम को उसने मैसेज किया सर टुमारो माई फ्लाइट, और अभी 4:30 बजे के बाद उसने मैसेज किया सर ऑलरेडी रीच द सिंगापुर, सिंगापुर गवर्नमेंट इमिग्रेशन चेक ऑल द पेपर्स भाई। लेकिन उसके एम्प्लॉयर ने उसको बहुत साथ दिया है, वो एस पास पर आया है होटल इंडस्ट्री में एज अ शेफ, इस कुकिंग लाइन में है। अब कोई भी इंडस्ट्री काम हो सकता है ये तो खैर पता नहीं, लेकिन एटलीस्ट उसको काम मिल गया, वो सिंगापुर में आ चुका है। अब 10 दिन बाद वो अपनी इंडस्ट्री ज्वाइन कर लेगा। तो यार मैं चाहता हूँ ऐसे लोग हमारे यूट्यूब से जुड़े, सबसे पहले तो उस आदमी को बहुत सल्यूट करता हूँ यार, जज्बा है बंदे में यार, उसको बहुत थैंक्स कहना चाहता हूँ। मेरे से भी ज़्यादा जज्बा है, बंदा मस्कट गया, मस्कट से सिंगापुर, उसे इतना भी डर नहीं लगा यार, सिंगापुर वालों ने कहीं वापस कर दिया। फॉलो द लॉ, फॉलो ऑल द पेपर्स, ऑल द इंफॉर्मेशन ही कलेक्ट, उसका एम्प्लॉयर ने उसको साथ दिया। तो इसी वजह से यार आप ऐसे लोगों से कनेक्ट होके एक अपनी अच्छी ज़िंदगी बना सकते हैं। तो कीप इन टच, दिस चैनल को हमेशा सपोर्ट करो यार। और हाँ एक बात और बता देता हूँ, जब भी आपको कोई मेरी इन्फॉर्मेशन लेनी हो, और जब भी मैं कॉल करूँगा, स्कैम बहुत चल रहे हैं, तो जब भी कोई मेरे से कॉन्टैक्ट करता है मेरी शक्ल पहचानने ला, जब आप किसी एजेंट कॉन्टैक्ट अगर कोई बोले कि मैं रवि की बिहाफ में बोला हूँ, उससे बोला रवि सर ऑन वीडियो कॉल, ओके। कभी भी आप किसी पर विश्वास करना तो रवि को, क्योंकि मेरे नाम से वो काफ़ी ईमेल आईडी वगैरह बन सकती है, इंस्टाग्राम पे बन सकते हैं, व्हाट्सएप पर करते हैं, तो जब आप उनसे कॉन्टैक्ट करो तो फेस टू फेस। वैसे मेरा व्हाट्सएप नंबर अभी तक मैंने डिस्क्लोज़ नहीं कराया, इंस्टाग्राम आईडी किसी किसी को पता है, तो खैर उसकी बात छोड़ो। लेकिन यार उस बंदे से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पता नहीं ये वीडियो अगर वो देख लेगा तो यार आई एम सल्यूट, आई लव यू भाई। इसी तरह से यार और भी बंदे सिंगापुर आए, बहुत खुशी होती है यार। वो बंदा 8 महीने से मेरे कॉन्टैक्ट में था, और वो धीरे धीरे प्रोसेस करके 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 आज सिंगापुर में आ चुका है। आई विश कॉन्ग्रेट्स। और हाँ भाई उस बंदे को कॉन्ग्रेट्स कहना, यम कोटवाल नाम है। कमेंट्स आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके उसके कमेंट्स पढ़ना, काफ़ी महीने से फॉलो करा है, उसको कॉन्ग्रेट्स ज़रूर बोलना, मेरे को कॉन्ग्रेट्स मत बोलना उसको, बता कि वो इस वीडियो को देखे काफ़ी अच्छा लगे। तो भाई यम कोटवाल जी थैंक्स। हाँ और कभी इन फ्यूचर सिंगापुर में अभी हैं तो अगर टाइम मिलेगा तो हम ज़रूर मिलेंगे आपसे। थैंक यू भाई, आज के लिए वीडियो इतनी, यार वीडियो तो बहुत सारी बनानी है, लेकिन जो वीडियो बनानी चाहिए वो बन नहीं रही, और जो आज का जो जैसे खुशी होती है वो भी वीडियो अपलोड होती है। तो थैंक्स, इसी तरह से प्यार बनाए रखो, तुम्हारे भाई को रवि ऑलवेज विद यू। आपको मैंने बता दिया 1 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ ओपन द एजेंसीज, तो सपोर्ट द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।